क्या सरकार अपनी गाइडलाइंस पर पुनर्विचार करेगी लोगों का जो बढ़ता आक्रोश देखने को मिल रहा है और विरोधी दल जिस तरह से इसे मुद्दा बनाकर सियासी हमला कर रहे हैं सरकार पर उसके बाद सरकार का क्या रुख होता है यह देखना दिलचस्प होगा संभावनाएं क्या है ये जानने के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी अंजनी का और उनसे जानेंगे कि जिस तरह से विरोध देखने को मिला है राज्य के अलग अलग जिलों से अलग अलग हिस्सों से हर तरफ से विरोध के स्वर उठ रहे हैं गाइडलाइंस पर पुनर्विचार किए जाने की मांग की जा रही है तो अंजनी कोई संभावना दिख रही है इस बारे में देखिए दीपक जिस तरह से छठ महापर्व है लोक आस्था का पर्व है और इसमें काफ़ी संख्या में लोग जो हैं छठ व्रति छठ करते हैं लेकिन अभी जिस तरह का माहौल रहा है सरकार ने जो निर्णय लिया है कि आपको अपने घरों में रहकर छठ का जो पूजा है वो करना है लेकिन जिस तरह से कल विरोध प्रदर्शन होता रहा काफ़ी यदि हम कहेंगे तो विपक्षी दल जो है मुख्य तौर से भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो छोटे बड़े नेता हैं सभी लोगों ने विरोध करते हुए सरकार से आंदोलन करते हुए विनती कर रहे थे कि सरकार ने जो फैसला लिया है उसे उस पर पुनर्विचार हो और ऐसे आप देखेंगे दीपक तो कांग्रेस की बात करें या झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से भी जो है सीएम को से मुलाकात कर आ, ये ज्ञापन सौंपा गया कि इस पर एक पुनर्विचार होना चाहिए आ, क्योंकि जिस तरह से म, ल, लो, लोगों के सामने जो समस्याएं हैं आ, कि हर कोई अपने घरों में रहकर कर आ, ये व्यवस्था नहीं कर सकता है क्योंकि हर कोई के पास उतनी जगह नहीं है फिर भी आंदोलन लगातार होते रहे हैं आ, और विपक्षी दल के जो लोग हैं रांची के सांसद हों या रांची के विधायक हों जो पूर्व मंत्री हैं सी सिंह वो भी कल ठंडे पानी में जल जलयोग क्रिया वो कर रहे थे तो एक आक्रोश का अलग नज़ारा कल जरूर दिखाई दे रहा था लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है दीपक की जिस तरह से लोगों की मांग उठी है तो हो सकता है कि सरकार जो है पुनर्विचार कर सकती है और हो सकता है कि देर शाम तक जो है इस पर कोई नया निर्णय भी आ सकता है उसमें कुछ जो है आ, सरकार के अपने कुछ नियम होंगे क्योंकि देखिए कोरोना संक्रमण को लेकर यदि हम बात करते हैं तो झारखंड पूरे भारत में बेहतर स्थिति में जरूर है लेकिन कल भी जो आंकड़े आए हैं उसमें देखेंगे तो रांची में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव के मरीज हैं और आ, दिल्ली में देखें कि परसों हाई लेवल बैठक हुई जिसमें खुद गृह मंत्री थे और मुख्यमंत्री केजरीवाल वहां मौजूद थे तो वापसी हो रही है कोरोना की यही वजह है कि सरकार जो है चाहती है कि जो हमारी जनता है जो झारखंड की जो जनता है वो कैसे सुरक्षित रहे तो इन तमाम चीजों को लेकर यदि हम बात करते हैं तो सरकार का जो पॉइंट ऑफ व्यू है सरकार का जो मकसद रहा है कि हम अपनी जनता को कैसे सुरक्षित रखें क्योंकि देखिए छठ पर्व में यदि हम देखते हैं दीपक तो काफी भीड़ होती है एक ऐसा जन सैलाब उबड़ता है ऐसे लोगों की आस्था है इस महापर्व को लेकर कि रांची के तमाम छठ घाट हैं जहां पैर रखने की भी जगह नहीं होती है जी। और ये एक ऐसा महापर्व है कि पानी में प्रवेश कर ही सूर्य भगवान की उपासना की जाती है और हर कोई रख देता है हर कोई के घर में जो सूप का जो दौरा होता है वो काफी संख्या में होती है तो सरकार यही चाह रही थी कि जो सामाजिक दूरी की जो बात होती है वो इस महापर्व में दिखाई नहीं देगा इसका अनुपालन नहीं होगा यही वजह है कि सरकार तमाम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये एक निर्णय सरकार ने लिया था कि भाई आपने, अपने घरों में रहकर आप छठ महापर्व करें लेकिन जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हुए हैं तो ऐसा लगता है कि सरकार पुनर्विचार कर सकती है चलिए सरकार पुनर्विचार कर सकती है करती है या नहीं इस पर तो हमारी नजर बनी रहेगी अंजनी हम देख पा रहे हैं आप एक जलाशय के सामने खड़े हैं तो छठ को लेकर दुर्गा पूजा के बाद से ही दिवाली के दौरान और तैयारियां काफी जोर पकड़ लेती है घाटों की साफ सफाई हो वहां रोशनी का प्रबंध हो तो ये सारी तैयारियां अलग अलग जगहों पर जलाशयों के पास और घाटों पर लोग करने में लग गए थे पूजा समितियां उन तैयारियों में जुट गई थी फिर अचानक से सरकार का ये फैसला आया है हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को उन तैयारियों के बारे में और सरकार के फैसले के बाद जो तैयारियां रुक गई है उसके बारे में भी बताएं और साथ ही साथ नजारा दिखाएं कि इस जलाशय पर किस तरह से व्यवस्था होगी अगर सरकार के गाइडलाइन में कोई परिवर्तन होता है तो देखिये दीपक यदि सरकार के नए गाइडलाइंस यदि आते हैं तो रांची के जितने भी तालाब हैं बड़ा तालाब की बात करें या फिर ब, आ, बहु बाजार तालाब की बात करें या बटम तालाब की बात करें या कांके डैम की बात करें का हटिया डैम की बात करें और नगर निगम के अपने भी कई तालाब हैं जहाँ की काफ़ी संख्या में छठ व्रति ये छठ ये पूजा करने के लिए पहुँचते हैं तो अभी यदि हम बात करेंगे तो अभी किसी भी तरह की कोई ब, सजावट का काम नहीं किया गया है यदि सरकार का गाइडलाइंस आता है कि छठ छठ जो है छठ घाटों में लोग जाकर आ, कुछ नियमों के साथ यदि छठ पर्व करेंगे तो वैसे में जो समिति से जुड़े जो लोग हैं या प्रशासन से जुड़े जो लोग हैं क्योंकि प्रशासन को इसमें जो है ये एनडीआरएफ की टीम यानी गोताखोरों की टीम भी रखनी पड़ती है क्योंकि कई बार कई जगहों पे हाथ हादसे भी होते हैं तो एक पर्व के साथ कई चीजों का कनेक्शन हो जाता है तो ये तैयारी प्रशासन को भी करनी होगी और प्रशासन पहले से तैयारी करके रखी होगी क्योंकि एनडीआरएफ की टीम जो है अचानक बुलाने से नहीं आती है उसकी भी अपनी एक अलग तैयारी होती है दीपक तो ऐसे जो सजावट का जो काम है वो अभी नहीं हुआ है लेकिन आ, सरकार के आदेश के आने पे जो है तमाम चीजें पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे और तालाबों की नगर निगम की ओर से तालाबों की साफ सफाई भी जरूर की गई है लेकिन अभी कल जो है काली पूजा का विसर्जन होने की वजह से जो है तालाब में थोड़ा गंदगी जरूर है लेकिन एक या दो दिनों में तमाम चीजों को जो है साफ कर दिया जाएगा तो है और अगर सरकार के गाइडलाइंस में कुछ बदलाव आता है तो छठ घाट पर आने वाले व्रती के लिए सुविधाओं का बंदोबस्त किया जा सकता है फिलहाल उतना वक्त है लेकिन यह तय सरकार की ओर से कब किया जाता है यह देखना जरूरी है क्या समय रहते सरकार अपने गाइडलाइंस में परिवर्तन करती है या फिर उन गाइडलाइंस को ही आगे के लिए बरकरार रखा जाएगा हमारी नजर इस पर बनी रहेगी अंजनी फिलहाल इन तमाम ताजा तस्वीरों और जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद